गुड मॉर्निंग टू ऑल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीकॉम सेकंड सेमेस्टर थर्ड उसका इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर करने जा रहे हैं और वो है आर्थिक व्यवस्थाएं, पूंजीवाद, समाजवाद एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को हमने पहले डिस्कस कर लिया था, तो आज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है मिक्स होता है, ये किस किस का मिक्स, सोशलिज्म तथा कैपिटलिस्ट का, पूंजीवाद तथा समाजवाद का इसमें मिश्रण होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में एक तरफ तो आर्थिक क्रियाओं की स्वतंत्रता होती है परंतु दूसरी ओर सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण भी होता है। परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, वो पूंजीवादी प्रणाली में विश्वास रखते थे, अर्थात उनके अनुसार सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आर्थिक क्रियाएं हैं उनको प्राइस मैकेनिज्म या कीमत संयंत्र द्वारा कार्य करते रहना चाहिए और सरकार को केवल और केवल कानून व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। परंतु 1930 की महामंदी आई, उसने इस परंपरावादी सोच को गलत सिद्ध किया। परंपरावादियों ने कहा कि यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है तो ये अर्थव्यवस्था हमेशा से पूर्ण रोजगार, उच्च उत्पादन स्तर पर संतुलित अवस्था में रहेगी। परंतु 1929 में विश्व में बेरोजगारी तथा कम मांग की समस्या का इन अर्थव्यवस्थाओं को सामना करना पड़ा। इसके फलस्वरूप केन्ज ने क्या कहा आगे कि निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र को एक दूसरे के सहयोग से सामाजिक कल्याण व आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आपस में मिलकर कार्य करना चाहिए। इस तरह से ये जो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था होती है या मिक्स्ड सिस्टम होता है, ये पूंजीवाद के अंतर्गत जो निजी क्षेत्र है और समाजवाद के अंतर्गत जो सरकारी क्षेत्र है, उन दोनों का मिश्रण है और इन दोनों के मिश्रण को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे जो एनाटोल मुराद ने दी। मिक्स्ड इकोनॉमी की जो डेफिनेशन दी मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इन विच बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी।
क्या है ये डेफिनेशन? मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच बोथ कौन कौन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। ये डेफिनेशन दी एनाटोल मुराद ने। आपने एक ध्यान रखना है, यदि एग्जाम में आप डेफिनेशन लिखो कोई भी, यदि आप किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सेम डेफिनेशन लिखते हैं तो उनको इन्वर्टेड कोमा में लेकर के उसका नाम जरूर लिखना है, और यदि आप अपनी बनाकर अपने शब्दों में अपनी डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो अब आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ समझ में आ गया होगा। इसके अब मेन फीचर्स देखेंगे कौन कौन से हैं। और मेन फीचर्स कौन कौन से होंगे इसके, इसमें जो पूंजीवादी तथा समाजवादी हमने पहले की दोनों सिस्टम, उन दोनों के जो गुण हैं वो इसमें, दोनों के जो गुण हैं वो इसमें गुण होंगे, दोनों की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताओं में होंगी, और जो अवगुण हैं वो अवगुणों में होंगे। तो पहला इसका जो भी विशेषता है वो इसके डेफिनेशन से ही हमें पता चलता है कि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर मिक्स, सॉरी इसको हम मिश्रित आर्थिक प्रणाली है, उसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों सेक्टर होते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र कहाँ कार्य करता है? राष्ट्रीय महत्व के उद्योग होते हैं, जैसे आधारभूत उद्योग या युद्ध सामग्री बनाने वाले उद्योग। आधारभूत उद्योग कौन से? जैसे सड़क निर्माण, रेल निर्माण, जो आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, रेलवे ट्रैक का निर्माण सॉरी, और अन्य जो आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, और युद्ध सामग्री, इन उद्योगों को में सरकार कार्य करती है। और उपभोक्ता के जो पदार्थ बनाने वाले उद्योग हैं, लघु तथा अन्य उद्योग हैं, उनमें निजी क्षेत्र कार्य करता है। और इन दोनों क्षेत्रों का उद्देश्य आर्थिक विकास करना है। दूसरा है इसमें, सेकंड इसकी फीचर, योजनात्मक अर्थव्यवस्था तथा सरकारी नियंत्रण, प्लान्ड इकोनॉमी एंड गवर्नमेंटल क्लोन। इन अर्थव्यवस्थाओं में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में विकास, देश के विकास के लिए एक योजना बनाई जाती है। जैसे उदाहरण, अपने देश में नीति आयोग इस प्रकार की योजनाएं बनाता है। इससे पहले जो प्लानिंग कमीशन था वो इस तरह की योजनाएं बनाता था। 2015 से उसके स्थान पर जो योजनात्मक आयोग है अपने, उसके स्थान पर क्या किया, नीति आयोग स्थापित कर दिया गया प्लानिंग कमीशन के स्थान पर। तो इसमें क्या है कि सरकार इन देशों में योजनाएं बनाती हैं, और इन योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों को महत्व दिया जाता है, और समाज के कल्याण के लिए, विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकारी क्षेत्र, सरकार है वो निजी क्षेत्र पर तथा अन्य उद्योगों पर नियंत्रण रखती है। तो नियंत्रण भी इनमें रहता है। ये जो थर्ड फीचर है इसका, निजी संपत्ति तथा आर्थिक स्वतंत्रता,
सॉरी आर्थिक समानता, इन अर्थ में मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है, जैसे कि अपने देश में है, व्यक्ति को निजी संपत्ति इकट्ठा करने की सहमति होती है, वो अपनी निजी संपत्ति इकट्ठी कर सकता है और निजी संपत्ति इकट्ठी करने के साथ साथ सरकार यह भी ध्यान रखती है कि आय तथा धन का वितरण अधिक असमान ना हो। इसके लिए क्या करती है सरकार, कई प्रकार से कार्य करती है, कैसे कि जैसे धनी व्यक्तियों पर आयकर तथा संपत्ति कर लगा दिए जाएंगे और इन जो धनी व्यक्तियों से जो संपत्ति इकट्ठी होगी उसको ऐसे कार्यों में प्रयोग किया जाता है जिससे निर्धन वर्ग है वो ऊंचा, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। निर्धन वर्ग को कम कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध करवाना, उनकी जो मकान बनाने के लिए है वो ग्रांट उपलब्ध करवाना तथा उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश करना, उस पैसे को इस तरह के कार्यों में प्रयोग किया जाता है ताकि आर्थिक रूप से निर्धन तथा जो धनी वर्ग है वो समान रहें, दोनों को आर्थिक विकास का फायदा मिले। नेक्स्ट इसका जो फ्यूचर है वो है कीमत संयंत्र, तथा इनमें एक कीमत संयंत्र तथा नियमित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में क्या उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उत्पादन किस प्रकार करना है तथा उत्पादन किन लोगों के लिए करना है, इन बातों को, ये बातें तय होती है वो होती है कीमत संयंत्र द्वारा, अर्थात बाजार में किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति द्वारा। परंतु कुछ वस्तुएं इन देशों में ऐसी होती है जिसमें जो कीमतें हैं वो सरकार तय करती है या वो सेक्टर सरकार द्वारा नियमित होते हैं, जैसे अपने देश में रेल का जो किराया है वो और बिजली की दर वो सरकार द्वारा तय की जाती है और अन्य वस्तुओं की दर है वो कीमत संयंत्र द्वारा तय की जाती है। तो इन अर्थव्यवस्थाओं में कीमत संयंत्र भी होता है तथा नियमित अर्थव्यवस्था या सरकार द्वारा रेगुलेटेड इकोनॉमी भी होती है। लाभ उद्देश्य तथा सामाजिक कल्याण, इन अर्थव्यवस्थाओं में क्या है कि निजी व्यक्ति या निजी उद्योगों को संपत्ति तथा अपना लाभ बढ़ाने की या उसे संग्रहण करने की छूट होती है, वो लाभ कमा सकते हैं तथा अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं और अपना निजी लाभ को अन्य कार्यों में निवेश कर सकते हैं। परंतु इसके साथ साथ सरकार यह ध्यान रखती है कि सामाजिक कल्याण भी कायम रहे। सरकार को ये लगता है मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में कि कुछ निजी उद्योग केवल और केवल अपने फायदे के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता के हित में कार्य नहीं कर रहे, तो सरकार उनका राष्ट्रीयकरण कर देती है। राष्ट्रीयकरण में क्या होगा, निजी क्षेत्र है वो सार्वजनिक क्षेत्र बन जाता है। तो लाभ उद्देश्य तथा सामाजिक कल्याण, ये दोनों जो उद्देश्य हैं वो साथ साथ कार्य करते हैं। अब हम इसकी संक्षेप में इसके जो मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। आपको मैंने पहले बताया था कि जो पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों हमने डिस्कस किए थे उसके गुण हैं वो इसके गुण होंगे और दोनों की जो अवगुण हैं वो इसके अवगुण होंगे। तो पहला इसका गुण है आर्थिक स्वतंत्रता तथा पूंजी निर्माण। मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें निजी क्षेत्र को पनपने का अवसर प्रदान किया जाता है, लोग निजी संपत्ति रख सकते हैं और लोगों को, क्योंकि निजी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता होती है तो इस कारण लोग अधिक परिश्रम तथा कार्य कुशलता से कार्य करते हैं, इससे उत्पादन अधिक होगा और पूंजी निर्माण की दर बढ़ती है। नेक्स्ट इसका फ्यूचर है प्रतियोगिता तथा कुशल उत्पादन।
मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि एक से अधिक उत्पादक होते हैं एक वस्तु के, तो उनमें प्रतियोगिता पाई जाती है। प्रतियोगिता के कारण वो अपनी वस्तु को एक दूसरे से क्वालिटी में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कार्यकुशलता बढ़ेगी और संसाधनों का पूर्ण उपयोग होगा यदि उद्यमियों में प्रतियोगिता होगी तो। नेक्स्ट इसका फ्यूचर है साधनों का कुशल बंटवारा। मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें योजना बनाई जाती है, नीति आयोग अपने यहाँ बनाता है और वो निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में संसाधनों का इस तरह से बंटवारा करता है कि दोनों जो क्षेत्र हैं वो देश के आर्थिक जो विकास है उसकी गति को तेज कर सकें। तो निजी क्षेत्र है वो अपना जो उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है तो वो इसलिए उत्पादनों का कुशलता से प्रयोग करता है, और सरकार जरूरत की जो सुविधाएं हैं और आर्थिक कल्याण या सामाजिक कल्याण बढ़ाने के लिए जो लोगों जो अपने संसाधनों का है वो उचित प्रकार से उपयोग करती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास तथा जल कल्याण दोनों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट इसका फ्यूचर है योजनाओं के लाभ, एडवांटेजेज ऑफ प्लानिंग। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो योजनाएं बनाने से जो लाभ प्राप्त हो सकते हैं वो सभी प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें एक निश्चित योजना के अनुसार कार्य किया जाता है। बेरोजगारी, खाद्य समस्या तथा निर्धनता की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट इसका फ्यूचर है आर्थिक समानता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि आर्थिक समानता के उद्देश्य को महत्वपूर्ण समझा जाता है तथा आर्थिक समानता के उद्देश्य के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का गला नहीं घोटा जाता। तो सरकार निजी क्षेत्र पर इस तरह से नियंत्रण रखती है कि इस क्षेत्र का जो लाभ है वो अधिकांश जनता को प्राप्त हो सके। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, इसके लिए सरकार धनी वर्ग पर आयकर तथा संपत्ति कर लगाती है तथा उस कर से जो आय प्राप्त होती है वो निर्धनों के सामाजिक कल्याण को ऊंचा उठाने में व्यय करती है। लास्ट इसका फ्यूचर है शोषण से बचाओ। मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें निर्धन तथा मध्यम वर्ग का शोषण नहीं होने दिया जाता। सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि धनी तथा एकाधिकारी वर्ग इन निर्धन लोगों का शोषण नहीं कर सके। इसके लिए सरकार ने कई कानून भी बना रखे हैं। तो लास्ट इसमें करेंगे हम डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी के डीमेरिट्स क्या क्या हैं। अनिश्चितता, इन अर्थव्यवस्थाओं में क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र हैं वो स्पष्ट रूप से आवंटित कर दिए जाते हैं, परंतु कई बार क्या होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्योग आवंटित है उन्हें निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया जाता है। तो इस तरह क्या होता है, कुछ निजी क्षेत्र है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल बन जाता है कि कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए खुला है या कौन सा उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खुला है। दूसरा इसका डीमेरिट्स है सरकार का आंशिक नियंत्रण। मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वो पूरी तरह से नियोजित नहीं होती, क्योंकि इसमें जो निजी क्षेत्र है उसको अपना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती है, वो जो चाहे व्यवसाय कर सकता है। तो इस स्वतंत्रता के कारण सरकार अपनी योजना के सभी लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकेगी। नेक्स्ट इसका जो डीमेरिट्स है वो कार्यकुशलता का अभाव, लैक ऑफ एफिशिएंसी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों में ही कार्यकुशलता का अभाव पाया जाता है। क्यों, क्योंकि अपने देश का उदाहरण ले तो जो सरकारी क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रमों में जो सरकारी कर्मचारी है वो अपना उत्तरदायित्व ढंग से पालन नहीं कर सकते, और निजी क्षेत्र है उसमें इसलिए कार्यकुशलता कम पाई जाती है क्योंकि भारत जैसे देश का उदाहरण ले तो इनमें लाइसेंस परमिट इस तरह के इतने अधिक जो नियंत्रण है वो लगा दिए जाते हैं कि निजी क्षेत्र भी अपनी इच्छा अनुसार विकास नहीं कर पाता। नेक्स्ट इसकी जो डीमेरिट्स है वो है भ्रष्टाचार या करप्शन। मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें करप्शन पाया जाता है। अपने देश का एग्जाम्पल लें तो राजनीतिक दल है वो सार्वजनिक क्षेत्र का अनुचित उपयोग करते हैं अपने वोटों के लिए। निजी क्षेत्र क्या है, वो सरकारी कानूनों से बचने के लिए अपने कर है उसको
कर की जो उसकी इनकम जो उसका सॉरी कॉरपोरेट टैक्स बनता है उसको बचाने के लिए तथा अपना जो अनुचित विकास करने के लिए सरकारी अफसर है उनको रिश्वत देता है, तो इस कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, देश के जो संसाधन है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इसका जो डीमेट 7 निजी क्षेत्र के विकास में बाधा, मिश्रित क्षेत्र है वो निजी क्षेत्र के विकास में एक बाधा है, क्योंकि निजी क्षेत्र को हर समय राष्ट्रीयकरण का भय बना रहता है। राष्ट्रीयकरण क्या होता है कि निजी उद्योग को सार्वजनिक उद्योग में बदल देना, और दूसरी ओर जो एकाधिकारी नियंत्रण के कानून अभी बन रहे हैं वो उसे अपना और विस्तार नहीं करने देते, तो इसलिए निजी क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट इसकी डीमेरिट है काला धन या ब्लैक मनी, संसार की जो सभी मिश्रित अर्थव्यवस्थाएँ हैं उनमें ब्लैक मनी की समस्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इन देशों में निजी व्यक्तियों तथा निजी उद्योगों तथा धनी व्यक्तियों पर अधिक कर लगाया जाता है, क्यों, और इस अत्यधिक कर के कारण ये जो लोग हैं वो कर की चोरी का प्रयास करते हैं, जिससे काले धन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट इसकी डीमेरिट्स है योजनाओं के लिए आवंटित कोषों का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं उनमें साधनों का अपव्यय होता है, सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए जो धन है उसमें से अधिकतर भाग आप अपने देश में देखते होंगे कि सरकारी कर्मचारी मध्यस्थ या ठेकेदार हैं वो ही खा जाते हैं। निजी स्वार्थ के लिए जो राजनीतिज्ञ हैं वो भी सार्वजनिक क्षेत्र के जो साधन हैं उनका सही तरह से बंटवारा नहीं होने देते, जहां उन्हें वोट प्राप्त करने हैं जहां से वहां आर्थिक इकाइयां स्थापित करवा देते हैं, तो इस कारण इन संसाधनों का बंटवारा यहां आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक हित के आधार पर होता है। इसके फलस्वरूप देश के संसाधनों का सही तरह से वितरण नहीं हो पाता। तो अब हम इसके हमने विशेषताएं की, मेरिट्स के, डीमेरिट्स के, ये सभी करने के बाद हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद व पूंजीवाद के गुणों के अलावा पूंजीवाद के दोष भी होते हैं। कौन कौन से दोष हैं पूंजीवाद में? आर्थिक समानता पूंजीवाद का मुख्य दोष है, पूंजीवाद में निर्धन वर्ग का शोषण होता है और साधनों का अपव्यय होता है, और समाजवाद के भी मिश्रित प्रणाली में दोष पाए जाते हैं, जैसे निजी क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशलता। तो भारत इसने मिश्रित प्रणाली को अपनाया है। हमारी जो दूसरी औद्योगिक नीति थी 1956 में आई, उसमें सरकार के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 थी, 17। 1956 की औद्योगिक नीति में अपने जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग थे उनकी संख्या 17 थी, परंतु 1991 की औद्योगिक नीति में ये जो सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्र है उनकी संख्या केवल और केवल 5 रह गई, बाकी सारा क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया 1991 की आर्थिक नीति में। परंतु वर्तमान में क्या है, केवल 2 उद्योग हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, और वो हैं परमाणु ऊर्जा तथा रेलवे परिवहन। अभी वर्तमान समय में रेलवे परिवहन के जो कुछ संगठन हैं या कुछ जो क्षेत्र हैं रेलवे परिवहन के, वो भी सरकार के लिए या निजी क्षेत्र के लिए खोले जा रहे हैं। कुछ संगठन हैं, संगठक जो इसके रेलवे क्षेत्र के, उन्हें भी निजी क्षेत्र के लिए खोला जा रहा है। तो जो भारत की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो निजी क्षेत्र की ओर झुकाव उसका हो रहा है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का भाग है, कार्य है, वो कम हो रहा है, और निजी क्षेत्र का कार्यभार है वो बढ़ रहा है। तो जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका झुकाव पूंजीवाद की तरफ हो रहा है, समाजवाद की तरफ से हटकर पूंजीवाद की तरफ जा रही है। तो इस तरह से आज ये हमने चैप्टर कंप्लीट किया, अपना फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू। आप इन जो पूंजीवाद, समाजवाद तथा मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं,
इनकी यदि विशेषताओं को अच्छी तरह से रीड कर लेंगे तो आप इसके जो गुण तथा दोष हैं उन्हें आसानी से आप समझ सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो थैंक यू।